चलो भाई इधर देखो बाय बोलो। मुझे आपसे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करनी है। पॉइंट नंबर वन इज़ अ प्रॉब्लम, नहाने की प्रॉब्लम। यहाँ पे इतनी ठंड है कि गर्म से गर्म पानी भी ठंडा ही लग रहा है, पर नहाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से तीन दिन हमें नहाने नहीं मिलेगा क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ है ड्राई पिट, मतलब वहाँ पे पानी ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट, हमारे पूरे ट्रिप में सिर्फ दो लोगों को ठंड नहीं लग रही है, मतलब कम लग रही है, प्रखर, दूसरा मैं वो हूँ जिसको मुंबई में तक ठंड लगती है। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे बिल्कुल मतलब बहुत कम ठंड लग रही है। अभी हम लोग बीच में रुके हैं ब्रिज के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी सी नदी है, पानी बहुत ठंडा है ऑब्वियसली, और ये ब्रिज में सब लोग फोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं, तो चलो हम भी वीडियोज़ लेते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं थोड़े से। सो व्हाट्सअप गाइज, अभी हम आए हैं धनकर मुनाश्री। धनकर का मतलब होता है धनमंत, क्लिफ कर मीन्स फोर्ट। ये थी स्पीति की फर्स्ट कैपिटल, आगे से दिखाओ। यहाँ आने से पहले एक जन की परमिशन लेनी पड़ती है। किसकी? इनके बारे में बताओ प्रखर। इनके बारे में अभी तक तो ये पता चला है कि इनकी स्किन जो है वो ओरिजिनल है और अंदर भूसा वगैरह भरा हुआ है, प्रिजर्व करने का। हाँ, प्रिजर्व वगैरह करने का। ओके, ये देखिए गाइस, पर ये खाने के ऑप्शंस तो बहुत है लेकिन मैं खा रहा हूँ ब्रेड ऑमलेट। मॉर्निंग भी मैंने ब्रेड ऑमलेट खाया और अभी भी ब्रेड ऑमलेट। ऑमलेट तो इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन इम्पोर्टेंट है। जल्दी जल्दी। हाँ तो भैया, ट्रिप में मज़ा तब आती है जब आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, भले ही वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड ना हो, थोड़ा आपको उसका हिंट रहे, पर वो जब होती है तो बहुत मज़ा आती है। आपने नॉर्मल वाटरफॉल्स तो देखे होंगे, पर फ्रोजन वाटरफॉल उसके मज़े तो कुछ अलग ही है। हमने देखे तो आपको तो ज़रूर दिखाएंगे। चलो तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं काजा, मतलब स्पीति। और कैसी ठंड है यहाँ पे? ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, पर यहाँ पे रहने का कुछ अलग ही मज़ा है। मैं बोलूँगा सबको एक बार आना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए। अरे मतलब हाँ, जो बोलते हैं तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठंडा तो मौसम है थोड़ा, हम लोग एकदम टॉप पे आ गए, जहाँ पे हमारा स्टे उसके टॉप पे आ गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे पानी नहीं है, तो यहाँ पे सब कुछ ड्राई पीट है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? चलो लेट मी शो यू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। मैंने बताया था कि काजा में पानी नहीं होता है, तो यहाँ पे नहाना तो पॉसिबल ही नहीं है। जो फ्रेश होना होता है उसका सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ। देख लो भाई, अपने रिस्क पे देखना, नहीं तो टैप टैप करके स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो। सो दिस इज़ इट, देखो ये। सो ये ड्राई पीट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ सकते हो, ठीक है? अब इसको ओपन करने के बाद दिस इज़ समथिंग, इट लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे पानी नहीं है तो इन्होंने ऐसा कमोड बनाया, और बहुत ये गंदी स्मेल है, यहाँ पे टॉयलेट पेपर्स रखे हैं। सॉरी आई कांट शो यू, मुझे उल्टी आ रही है भाई, मैं नहीं शो कर पा रहा हूँ, मुझे उल्टी आ रही है। देखो गाइस, अब जैसे है हमें वैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, सब लोग शायद अभी एडजस्ट नहीं कर पाए, बट लगता है मैं और हार्दिक तो एडजस्ट आराम से कर लेंगे। देखते हैं भाई, करेंगे भाई, करना ही पड़ेगा। अब जो है कभी करना ही पड़ेगा। अब बोलोगे भाई ऐसे दिल्ली चल तो पॉसिबल नहीं है, वी हैव टू एडजस्ट, तो कर लेंगे जो सही है हमारा। जी आप भी तीन दिन रोके नहीं रख सकते, करना पड़ेगा आपको भी भाई। मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, मेरे को तो मुश्किल है भाई, मुझे नहीं, मुझसे नहीं होगा शायद। मैं अभी वॉशरूम जाके आया हूँ। तो सर आप रोकोगे कैसे तीन दिन, मेरे को ये समझाओ। वो देखते हैं, रोकूंगा, मैं कोशिश करूंगा तीन दिन ना करूँ कुछ भी। सबको नहीं दिखा पाया भाई, उल्टी होने आ गई। पॉइंट नंबर थ्री, इस ट्रिप में सब लोग बोल रहे थे, इवन हमारे गाइड, कि स्नोफॉल नहीं मिलेगी, चांस ही नहीं है, भूल जाओ। पर यार
हम लोग एक चीज के लिए बहुत दिनों से तरस रहे थे और सब लोग बोल रहे थे कि वो चीज नहीं होगी, पर आज वो टाइम आ गया फाइनली। पता नहीं कहाँ से स्नोफॉल हो रही है गाइस, स्नोफॉल हो रही है। आपको पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं, बट हो रही है, देखो दिख रहा है वीडियो में भी दिख रहा है। Like, share. Oh! Bell icon. Bell icon, yes.